हेलो दोस्तों, आज एक अगली टॉपिक लेके आया है, ड्यूरेशन ऑफ डे यानी दिनों की अवधि। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीन रेखाएं होती हैं जो कि अक्षांश रेखाएं बोली जाती हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। कितनी होती है? 180। और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, यानी 360। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं में से तीन मुख्य रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीन रेखाएं हैं जो मुख्य हैं। जो कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। कहां से? विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके जस्ट नीचे 23.5 डिग्री साउथ पोल पे कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक है, अब इन तीनों रेखाओं के संबंध में कुछ चीजें हैं जो दिन रात होते हैं, तो कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन रात दोनों बराबर होते हैं, तो तिथियां क्या है और ये क्यों होता है ऐसा? ठीक है, जानते हैं। देखिए, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत होती हैं, तो वो जिन तिथियों को लंबवत होती हैं उन तिथियों को दिन रात बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश यहां पड़ेगा सीधा लंबवत, तो जितना इधर प्रकाश का विसरण होगा उसी प्रकार नीचे भी होगा। इसीलिए दिन रात सूर्य यदि विषुवत रेखा पर है तो समझ लीजिए कि दिन रात क्या होता है? बराबर। ठीक है, वो दो तिथियां होती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, दो तिथि आती है जब दिन रात बराबर होता है। ठीक है, और इसके बाद जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं अक्षांश कर्क रेखा के ऊपर, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, तो वो तिथि होती है 21 जून की। कौन सी तिथि होती है? 21 जून की, जिस समय उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ध्यान से। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर 21 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही थी, तो मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? तो जून वाला ही आएगा, जाहिर सी बात है, तो वो तिथि होगी 21 जून। यहां पर होगा 21 जून। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 21 जून के बाद अब कौन सा महीना आएगा? इसमें से सितंबर आएगा, इसमें से, जून के बाद जुलाई नहीं, यहां इसमें से, तो सितंबर आएगा। तो यानी सितंबर के दिन पुनः सूर्य कहां होगा? 23 सितंबर के दिन सूर्य जो होगा फिर से विषुवत रेखा पर ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 23 सितंबर के बाद अगला डेट आता है 22 दिसंबर का, जब सूर्य कहां होगा? मकर रेखा पर। तब सूर्य की किरणें कहां पड़ रही हैं? मकर रेखा पर। वो तिथि है 22 दिसंबर की, और इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है एवं उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। ठीक है, जैसे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन था, तो 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, तो उसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, तीन के तीनों प्रश्न। ठीक है, और याद रखिएगा, अब देखिए जो चौथा प्रश्न है, ध्रुवों पर 6 माह का दिन एवं रात होता है। ठीक है, ध्रुवों पर यानी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें यहां भी पूर्णतः पड़ती हैं 6 महीने, और ये जब राउंड होके यहां आता है तो पुनः यहीं पर फिर पड़ता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ध्रुवों पर जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात्रि होता है। ठीक है, इस तरह से क्लियर समझिएगा। अब इसके बाद
पांचवा प्रश्न है, दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, घूर्णन को ही परिभ्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, घूर्णन मतलब स्वयं के अक्ष पर घूमना ही क्या है, घूर्णन है। ठीक है, और परिक्रमण क्या है, किसी अन्य पिंड का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। तो पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का, जिसकी वजह से उसकी परिक्रमण अवधि जो होती है वो ये है 107,160 किमी प्रति हावर। इतनी स्पीड से सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है और अपने अक्ष पर 1610 किमी प्रति हावर की स्पीड से पृथ्वी घूमती है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी की जो घूर्णन अवधि है वो होती है 23 आवर 56 मिनट एवं 4 सेकेंड। ठीक है, 23 आवर 56 मिनट एवं 4 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, ये जो समय है इसी समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक राउंड पूरी तरह से घूम जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक परिभ्रमण या एक घूर्णन बोलते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, दिन रात होता है। देखते हैं कि टोटल हम लोग समझते हैं कि 24 घंटे में दिन रात हो जाता है, पूरा हो जाता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात। ठीक है, तो ये बराबर नहीं होता है, कम बेसी दोनों होता रहता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। किस गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण, जिसकी स्पीड है 107,160 किमी प्रति हावर। ठीक है, इस स्पीड से सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। ठीक है, एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का समय टोटल लगता है, जिसे एक सौर वर्ष भी कहा जाता है, एक सौर वर्ष, एक सौर वर्ष इसको कहा जाता है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के द्वारा लगाए गए एक चक्कर को एक सौर वर्ष कहा जाता है, जिसकी अवधि है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। जो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड है, यही प्रत्येक चौथे वर्ष में, यही प्रत्येक चौथे वर्ष में ऐड होकर यह पूरा एक दिन का समय बनता है, 23 घंटा समथिंग मिनट बन जाता है, जिसकी वजह से पूरा एक दिन हर चौथे वर्ष में बढ़ जाता है और उसे ले जाके फरवरी मंथ में जोड़ दिया जाता है और उस वर्ष फरवरी माह का 29 दिन होता है। और आप इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि जो इकाई और दहाई अंकों से बना वर्ष 4 से विभाज्य हो जाए वह वर्ष लीप ईयर होता है, यानी वह फरवरी का 29 का दिन होता है, 29 दिनों से वो फरवरी बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, यदि एनी कंफ्यूजन किसी चीज में हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर और कमेंट और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।